पण तुका सांगलंय तर लक्षात ठेवा. हो हो, सूरजला पावडर पाहिजे गोर होण्यासाठी. आम्ही आता चाललोय ब्युटी पॅलेसला, तिथे त्यांनी आम्हाला इन्व्हाइट केले प्रमोशन साठी. त्यासाठी आम्ही चाललोय. आम्ही पार्किंग शोधतोय. दिस प्रायव्हेट कंपाऊंड. अच्छा, मेट्रो काय आहे क्या? अच्छा, मुंबईत पार्किंगचे वांदे मा. पार्किंगचे लफडे आहेत भाई, पार्किंगचे. काहीतरी फिराक जाऊचा मन कर. पेट्रोल महाग झाला, फिराक जाता. 122 रुपये पेट्रोल झाला. गिदा सीएनजी बसवून घेऊया आता इंजिन. भावाशी कमी पैसे घे पार्किंगचे. 150-200 तरी घेणार. पार्किंग कितना आहे? 3 घंटे का. ब्यूटी पैलेस में मैडम सोफा का अभी मैं हूँ ब्यूटी पैलेस के सेकंड फ्लोर पे. सेकंड फ्लोर पे आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जैसे कि स्ट्रेटनर वगैरह वो सब मिलेगा. और इनका आइकॉनिक, ये एक इन हाउस ब्रांड है जिसके सारे इलेक्ट्रॉनिक जो भी अप्लायंसेस है, आपको जो भी लगते हैं ब्यूटी सलोन से रिलेटेड, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. फर्स्ट फ्लोर पे बाकी सारे ब्रांड्स हैं जहाँ पे आपको बाकी सब चीज़ें मिल जाएगी, जैसे शैम्पू वगैरह, क्रीम वगैरह जो भी है वो सब मिल जाएगा. और ब्रांड्स को डिवाइड किया गया है फ्लोर्स में, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे भी और ग्राउंड फ्लोर पे भी. तो ऐसा कुछ यूनिक इधर ही मिलता है ऐसा कुछ नहीं है. तो इस फ्लोर पर मुझे जो शैम्पू चाहिए था, मैं सल्फेट फ्री जो शैम्पू यूज़ करती हूँ, वो फर्स्ट फ्लोर पर था. तो मैंने सोचा कि पहले मैं मेरी शॉपिंग कर लूँ, बाद में व्लॉग पर कॉन्सेंट्रेट कर लूँ. क्रॉफर्ड मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारी चीजें मिलती है. और वहाँ पे ये एक दो, मतलब तीन फ्लोर बोल सकते हैं, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड, तीन फ्लोर पे इनका ये ब्यूटी पैलेस है. और यहाँ पे आपको जो सलोन रिलेटेड जो भी चीज़ें वो मिलती है. और आप भीड़ तो आपने देख ही ली है कि कितनी है. तो लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं कि एक ही जगह पे सारा जो भी सामान है वो सब लेने के लिए. जितने भी लोगों ने मुझे अटेंड किया था वहाँ पे, वो सारे के सारे बहुत ही कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छे हैं. ये दीदी मुझे मेकअप भी सिखा रही थी, थोड़ा बहुत कुछ अगर मैं सीख जाऊँ तो. आय बेस नाही, फेस बेस माझी जी मेकअप करते तसे मला बोलून फाउंडेशन लागत नाही. तुझं बेस ते मला बेस मेकअप बेस कलर थोड़ी देर रखना था.
लिपस्टिक मेकअप से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको किसी और जगह पे जाना पड़ेगा। लेंसेस आई लैशेज सब हर चीज़ यहाँ पे है जो आपको सैलून के लिए जो भी जरूरत जिसकी भी ज़रूरत है। सेकेंड फ्लोर पे एक पार्ट ऐसा भी है जहाँ पे आपको सैलून से रिलेटेड जो भी फर्नीचर है, मैनीक्योर पेडीक्योर चेयर वगैरह, जो भी सैलून के लिए चेयर वगैरह जो लगती है, टेबल्स, वो सब यहाँ पे है। लेकिन उनको एक जगह पता नहीं है जहाँ पे ये सब मिलता है। तो आपकी जगह ऐसी है कि यहाँ पे आप सब प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग क्या है, सारे कौन से ब्रांड्स है या फिर एक्चुअली वीडील इन ऑल सैलून ब्रांड्स, जितने भी जो सैलून के जो ब्रांड्स है ना, जैसे ब्यूटी सैलून के एंड हाई एंड ब्रांड भी है हमारे पास। एंड जो डिस्काउंट है द ब्रांड व्हाट वी ऑफरिंग इज आइकॉनिक, जो हमारा खुद का इन हाउस ब्रांड है एंड दिस इज मार्केटेड थ्रू आउट इंडिया, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है सब मार्केट पूरा इंडिया होता है। तो उसके बाद जो ऑफ क्वालिटी एंड जो डिस्काउंट हम लोग ऑफर करते हैं वो आपको मार्केट में नहीं मिलता फॉर दिस काइंड ऑफ ब्रांड, दैट इज व्हाई पीपल कम टू अस टू बाय दिस प्रोडक्ट। और अगर कोई ज्यादा ये लेता है मतलब सैलून के, तो उसको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है या फिर नहीं? यूजुअली वी हैव अ स्टैंडर्ड डिस्काउंट फॉर द सैलून्स। यूजुअली हम लोग ऐसा वो नहीं रखते कि ज्यादा क्वांटिटी ले रहा है तो हम उसको ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर नहीं। और अगर कोई दूर से है उसको ऑर्डर करना है आपसे, तो वो कैसे? वो सबसे अच्छी चीज हमारी यूएसपी है वो। ओके। ये सबसे अच्छा है कि किधर से भी आता है ना बंदा, तो हम लोग उसको ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करके देते हैं, कुरियर अरेंज करके देते हैं, वी डू ऑल द सर्विसेज फॉर देम। तो घर बैठे उनको मटेरियल भी मिल जाता है। इन केस वन शी कम्स टू अस, एक टाइम पे वो आ जाते हैं, जैसे एक साल में कभी ऐसे दूर से आते जो एक साल में एक बार आते, तो उसके बाद वो घर बैठे हमको ऑर्डर करते रहते हैं एंड वी कीप ऑन सेंडिंग। मतलब हमारा कैसा व्हाट्सएप पे ये सब चलता ही रहता है उनके साथ, हम लोग पिक्चर सेंड करते रहते हैं, रेट्स देते रहते हैं उनको और दे कम, वो खाली है ना हमको ऑर्डर देते रहते हैं एंड वी सेंड द मटेरियल टू देम वंस इन अ ईयर, लाइक दे कैन कम एंड दे कैन सी न्यू आइटम। उसका जो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज होता है कुरियर का, वो कुरियर चार्जेस जो कस्टमर होता है वो बैक करता है, कुरियर चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सब कस्टमर बैक करता है यार, दे हैव टू बैक। सबसे हमारा पैकिंग करना उनका और ये सब पैकिंग करके कुरियर चार्जेस वो फिजिबली नहीं है हमको, लेट डाउन नहीं देना उनको। और रेट्स भी हमारे ऐसे होते हैं कि अगर कस्टमर फार आउट है, मतलब जैसे अभी सिंधुदुर्ग में कस्टमर है एंड वो मेरे को कुछ ऑर्डर देते हैं, तो मैं उनको है ना ऐसा नहीं कि मैं उनको कुछ अलग ही कुछ रेट बता दूँ या कुछ ज़्यादा रेट बता कर दूँ, जो हमारा शॉप में जो चल रहा है एट द टाइम, अगर हमारे पास कुछ स्पेशल ऑफर भी है शॉप में, एग्जैक्टली सेम डिस्काउंट पास ऑन टू अस, तो मतलब उनको कभी भी रेट में भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, सिंस यू आर नॉट कमिंग टू द शॉप एंड यू डोंट नो अबाउट द मार्केट, तो वी डोंट चार्ज देम एक्स्ट्रा, जो एक्चुअल रेट होगा वही रेट देंगे। ओके। तो उसके लिए जो भी डिस्काउंट होता रहता है वो आप इन्फॉर्म करते रहते हैं, मतलब या अभी इन्फॉर्म हम लोग इन्फॉर्म करते रहते हैं, प्लस अभी आज की मार्केट ऐसी हो गई कि द मार्केट इज बिकम ओपन, पीपल नो अबाउट द रेट्स आल्सो, तो वो पहले रेट चेक करके दे डू देयर होमवर्क एंड देन दे टेल अस, तो हम लोग उस हिसाब से उनको रेट जो देते हैं वो परफेक्ट रेट होता है। तो आपका जो नंबर और एड्रेस होगा मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि लोग और सिंधुदुर्ग से अगर कोई ऑर्डर करे तो उनके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट और हम लोग व्हाट वी डू यू नो, हमारा एक ऐसा है कि हम लोग साल में ना 3 से 4 times सेल्स रखते हैं हमारे, जैसे वुमेन्स डे के सेल है, 15 August का सेल है, 26 January का सेल है, फिर सैलून की जो हमारी जो एनिवर्सरी होती है उसका एक सेल लगाते हैं, तो हम लोग कस्टम हमारे वेंडर्स हमारे जो सप्लायर्स है ना उससे एडिशनल डिस्काउंट लेते हैं, जैसे हम लोग टारगेट ले लेते हैं, जैसा कि मैं अगर मैं ज्यादा 2000 का एग्जांपल दे रहा हूँ, 2000 का मटेरियल बेच रहा हूँ महीने में, तो मैं उनको बोलता हूँ मैं 3 टारगेट दे दो, मैं एक्स्ट्रा मतलब मैं एक्स्ट्रा परचेस कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेकर वो भी पास ऑन कर देता हूँ सामने को, बिकॉज उनको ऐसा है कि इन फ्यूचर उनको लेना है ना तो दे नो कि दिस ये शॉप है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती है और एक्स्ट्रा मटेरियल हमको सप्लाई करते हैं उस रेट के अंदर, तो वो हम लोग उनके साथ वो रेपो रखते ही है डिस्काउंट। मैं क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा
लोग जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के हैं ना वो कुछ ना कुछ अपना खुद का स्टार्ट करें, इसके लिए मैं ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ। तो उसमें भी ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, इसमें ज़्यादा लोग अभी उतर रही है क्योंकि इसको क्या बोलते हैं जैसे फूड और ये कभी जाएगा नहीं, जब तक इंसान जिंदा है उसको मेकअप सलोन इसमें जाना ही है। अब ये एक्चुअली बिकम प्रीमियम हाँ, ऐसा है कि अगर किसी को इतनी नॉलेज नहीं है या इतनी स्टडीज में इतनी है, उनको को नहीं है हाँ, तो वो इसमें तो वो इसमें आ जाते हैं और ये अब पहले जैसा ये बिजनेस नहीं रह गया, दिस बिकम अ प्रीमियम बिजनेस ना। और वही प्रॉब्लम है कि जिनको मतलब ज्यादा इसमें वही लोग है जो स्टडीज में कम है, तो उनको क्या होता है कि आगे जाके पूछना कैसे है या फिर क्या है इसका नॉलेज नहीं होता। तो इसलिए मैं सिर्फ ये वीडियो जो डालूंगी उसके बाद सिंधुदुर्ग से जो आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दो और कुछ तो ऐसी फैसिलिटीज दे दो ना उनको कि वो मतलब खुश हो जाए और यहीं से ले। एक्चुअली हम लोग वो ऑफर्स करते ही है वी डू, ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स आते हैं जो एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट मांग लेते हैं या कुछ ऐसा, तो वी हेल्प देम अप। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पहले भी आती थी तो मुझे पता है। ठीक है चलो मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक यू मैम। हमारे जो सलाम बिजनेस है ना इसमें हमारे तीनों सेक्शन होते हैं ना, जैसा इक्विपमेंट्स फर्नीचर फिर स्किन केयर एंड मेकअप, हम उनको पूरा केटर करते हैं। मतलब इफ यू वांट टू स्टार्ट अ सलून दिस इज द बेस्ट फुल सेटअप कंप्लीटली फ्रॉम मेकअप से लेकर स्किन केयर से लेकर हेयर कलर से लेकर एज वेल एज फर्नीचर्स एंड स्टाइलिंग इक्विपमेंट्स एंड ब्रशेस एंड स्टाइलिंग एक्सेसरीज कहीं पे भी हो मतलब हां। तो मेरे पास लाइक वी हैव इंडिया के लाइक टॉप ब्रांड्स सब हमारे पास, मतलब ऐसा नहीं कि दिस इज लाइक वंस वन परचेज शॉप, मतलब एक ही टाइम पे आप आइए आप पूरा फर्नीचर ले लीजिए एक ही टाइम पे, अगर मतलब पूरा सलोन सेटअप कर सकते हो आपको किधर जाने की जरूरत ही पड़ी। बोल मी खूप दमले आहे आता, मी ब्युटी पॅलेस मधनं निघालोय आणि मी भरपूर शॉपिंग केली आहे, मी काय केली ते पण शॉपिंग दाखवते आणि ते जे काही बोलले कोणालाही काही हा बिझनेस चालू करायचा असेल आणि त्यांना काही प्रोडक्ट्स हवे असतील तर तुम्ही इथे येऊन घेऊ शकता। त्यांचा नंबर आहे, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये त्यांचा नंबर मी दिला आहे, त्या डिस्क्रिप्शनमधल्या नंबरवरती तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता। ट्रान्सपोर्टेशनचे जे चार्जेस असतात कुरिअर चार्जेस ते तुम्हालाच बेअर करायला लागतात आणि बाकी सगळे प्रोडक्ट तुम्हाला घर बसल्या मिळू शकतात विथ व्हॉट एव्हर द डिस्काउंट इज गोईंग ऑन, तर ते तुम्हाला सगळं मिळू शकते। आणि मी तुम्हाला दाखवते मी काय काय शॉपिंग केली आहे। खरं तर तिथे मेकअपचं जास्त मला मेकअपची जास्त म्हणजे माहिती नाही आहे की कसं काय करायचं, मी एकच बेबी क्रीम लावते आणि लिपस्टिक थोडंसं अप्लाय करते, त्यामुळे शॅम्पू घेतला आहे मी आणि शॅम्पू आणि काय घेतलं आहे मी फेअर अँड लवली आहे अजून नाव याचं फेअर अँड लवली, फेअर काढलं होतं ना ग्लो अँड लवली झालं होतं ना, त्यानंतर हा एक फेस स्क्रब घेतला आहे मी ममाअर्थ एक लोशन आहे हे मी तुझे अच्छा हे सनस्क्रीन निव्याचं एक बॉडी लोशन घेतलंय, त्यानंतर माझं शॅम्पू वगैरे सगळं तेच घेतलं मी, हे एक कोकोआ बटर मॉइश्चरायझर आहे, बाकी सगळं शॅम्पू आम्ही शॉपिंग करून आलो आहे। आणि मला इथे प्रमोशनसाठी म्हणजे हायलाईट त्यांना करण्यासाठी बोलवलं गेलं होतं त्यामुळे मी इथे गेले होते, मी उगीच खोटं सांगणार नाही। आणि असे बरेचसे प्लेसेस आहेत मुंबईमध्ये पण इथे जास्त क्रॉफर्ड मार्केटला जिथे मी आता गेले होते ब्युटी पॅलेसला तिथे जास्त डिस्काउंट वगैरे तुम्हाला मिळतात आणि ते भरपूर लोक लांबून लांबून तिथे येतात। मला एक जी मुलगी मिळाली होती, सॉरी मी तुझं नाव नाही विचारलं, जळगावची, तिचा पण मी व्हिडिओ यामध्ये ॲड केला आहे, तर ती पण लांबून आली होती। लोक इथे येतात कारण हे CST स्टेशनच्या जवळ आहे, CSMT स्टेशनच्या सॉरी, तर तिथे उतरून तुम्ही शॉपिंग करून तुम्ही एका दिवसात पण जाऊ शकता, म्हणजे अगदी सिंधुदुर्गमधनं जर तुम्ही येता तर तुम्ही सकाळी येऊन संध्याकाळी रिटर्न जाऊ शकता। आणि स्टे वगैरेचे ऑप्शन जे मला बरेच लोक विचारतात ते अजून मुंबईमधले मी त्याचा एक वेगळा ब्लॉग बनवेन की तुम्ही कुठे राहू शकता कमी बजेटमध्ये तुम्हाला तुमचं कसं काय होऊ शकेल ते ऍक्शन मध्ये काय बोलायचं तो पण इलो तो बघतो मोबाईल वर युज करता गाडीवर गाडी चालवताना मोबाईल नका युज करू आणि समोर पोलीस आहे ते बघ आणि तो मागसून मोबाईल युज करू येतो। काय बोलत होते रे मी व्हिडिओ बनवण्यामागे एकच रिझन होतं की जे कोणी आपल्या सिंधुदुर्गातले आहेत आणि इतर महाराष्ट्रातून सुद्धा जे काहीतरी नवीन चालू करतात त्यांना काही अशा बाबतीत गरज असेल की मला सामान घ्यायचंय पण मला कसं घ्यायचंय माहिती नाही आहे जे हे ब्युटी प्रोडक्ट्स वगैरे आहेत, त्यासाठी तुम्हाला हेल्प होईल। असे बरेचसे ठिकाणं आहेत जी मी हळूहळू एक्सप्लोअर करेन, मी सुद्धा थोडं ह्या फ्लोमध्ये येते, मी कंटिन्यू व्लॉगिंगमध्ये नाही राहू शकत पण मी तरीसुद्धा ट्राय करते।
तर हे व्लॉग्स तुम्ही असेच बघत राहा आणि ह्याला असंच प्रेम देत राहा आणि भेटू लवकरच. थँक्यू. बाय बाय.